नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज 3 न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ अपडेट है चंद्रयान 3 के बारे में, सेकंड न्यूज़ अपडेट है गगनयान के बारे में, और थर्ड न्यूज़ अपडेट है इंडिया का खुद का स्वदेशी GPS नाविक के बारे में। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी अपडेट पर बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बुधवार को इसरो के चेयरमैन के सिवन बात करते वक्त बताया कि चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 615 करोड़ रुपए जो लागत आने वाली है उसमें से कुछ अमाउंट सैंक्शन भी कर दिया गया है। दोस्तों यह मिशन 2020 के नवंबर के आसपास लॉन्च होने की संभावना है। इसका ऑलरेडी काम चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा चंद्रयान 2 जिसकी कॉस्टिंग तकरीबन 960 करोड़ रुपए आई थी, लेकिन चंद्रयान 3 की कॉस्टिंग तकरीबन 615 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों हम सभी को पता है कि चंद्रयान 2 के जरिए हम दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर अभी किसी भी कंट्री का कोई भी स्पेस मिशन वहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंड नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों इसरो के चीफ के सिवन से पूछा गया कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ, तो उन्होंने रिप्लाई किया, देखिए ये टेक्निकल फॉल्ट था, जब लैंडिंग करते वक्त उससे हमारा संपर्क टूट गया, इसलिए वो इंटरनल मैटर था। हम इसके चंद्रयान 3 में इसका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं और डेफिनेटली ये सफल ज़रूर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं गगनयान के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया का मिशन है गगनयान। गगनयान के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 4 गगन यात्री एस्ट्रोनॉट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इन्हें जल्द ही रूस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे अपने स्वदेशी GPS के नाविक के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया ने स्वदेशी GPS नाविक बना लिया है। उसे बस कुछ ही महीनों के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा पूरे इंडियन पब्लिक के लिए। जैसे आप अभी ग्लोबल GPS यूज़ करते हो वो अमेरिका का GPS है, इंडिया का खुद का GPS है, उसका नाम है नाविक। ये जल्द से सेवा में आने वाला है। इसके लिए इसरो का जो US चिप मेकर है क्वालकॉम, उससे उसका कोलाबोरेशन भी हो चुका है। ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है और बहुत ही जल्द हम इंडिया का स्वदेशी नाविक का यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को जानकर गर्व होगा कि इसरो के पास इस साल तकरीबन 25 लॉन्चेस है, 25 प्रोग्राम है जो स्पेस में उन्हें लॉन्च करने हैं।